Hello friends, welcome back to my channel Vibrant Varsha. मैं हूँ वर्षा इंद्रनी और आज हम कोई डाइट रेसिपी या डाइट प्लान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ योग के बारे में. योग जनरली हम लोग जनरल टर्म्स में योग को योगा ही कहते हैं. योगा ये वर्ड जो है ये डिराइव फ्रॉम यूज और यूज मतलब युद्ध. जो योग करते हैं वो हमेशा युद्ध यानी कि यंग रहते हैं. यंग आप सिर्फ फिजिकली नहीं बोल सकते हो, यंग आप बोल सकते हो मेंटली एज वेल एज फिजिकली. सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग योग करते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं. स्ट्रांग मतलब पैनिक नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रेस नहीं होते हैं. आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से परेशान हैं, लेकिन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का बेस रीजन जो रहता है, बेसिक रीजन जो है वो है स्ट्रेस. मैं जिम में भी बहुत सारे लेडीज को मिलती हूँ जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होता है या थायराइड लेवल कंट्रोल में नहीं होती है. बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और मेन रीजन रहता है स्ट्रेस. अब स्ट्रेस तो कई सारे कारणों से होता है. मैं ये तो नहीं कह सकती कि योग करने की वजह से आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, हाँ, लेकिन योग करने से आप स्ट्रेस पे कंट्रोल जरूर कर सकते हो. और कैसे कंट्रोल करते हैं, ऐसे कई सारे आसनास हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल आप खुद ही कर सकते हो. जिसमें से मेन योग जो है वो है प्राणायाम. आप रेगुलर बेसिस पे प्राणायाम जरूर करें. प्राणायाम में कपालभाति एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बेस्ट प्राणायाम. आपने मेरा कपालभाति प्राणायाम एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम का वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए. उसमें मैंने कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप वाइज ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप उसे जरूर देखिए. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ योग से आप इंच लॉस और वेट लॉस कैसे कर सकते हैं. ऐसा मिसकंसेप्शन है कि योग सिर्फ स्ट्रेचेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही किया जाता है. नहीं दोस्तों, योगा से आप इंच लॉस और वेट लॉस दोनों ही रिजल्ट आप पा सकते हो. कैसे? योग अगर आप फ्लोर वर्कआउट के साथ कंबाइन करते हो तो आपको ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा इंच लॉस में और वेट लॉस में भी. मैं आपके लिए एक योग बेस वर्कआउट पैटर्न लेके आ रही हूँ जो 6 days का हमारा सीरीज रहेगा होल बॉडी के लिए. इससे आपका वेट लॉस भी होगा और इंच लॉस भी होगा. डेफिनेटली इसमें मेन टारगेट एरिया जो मैंने कवर किया है वो है टमी एंड अदर पार्ट्स, बट मेन इज टमी जो सभी को, जेंट्स हो या लेडीज हो, सभी को प्रॉब्लम एरिया लगता है. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 6 days वर्कआउट पैटर्न में जिसमें योग इज अ बेस, आपको करना क्या है, सारे वर्कआउट पैटर्न आप मेरे साथ कीजिए और इसे दोहराइए. ये 6 days का सीरीज है. फर्स्ट डे हम करने जा रहे हैं बेसिक योगासनास. सेकेंड डे हम यही करेंगे वॉक एंड फ्लोर योगा के साथ. थर्ड डे हम बॉल योगा करेंगे. फोर्थ डे हम करेंगे टायर योगा. फिफ्थ डे हम करेंगे केटलबेल योगा एंड सिक्स्थ डे हम करेंगे रोप योगा. अब ये करते वक्त आप एक चीज का ध्यान रखें, जो लोग बिगिनर हैं वो एकदम से स्टार्ट नहीं करें. आपसे जितना होगा उतना ही आप करने की कोशिश कीजिए. अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप एज इट इज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है या स्ट्रेचेबल नहीं है तो आपसे जितना हो पाता है, आपकी बॉडी जितना आपको परमिट करती है, आप उतना ही करने की कोशिश करिए. स्लोली स्लोली आप भी ये आसन और ये योगा पैटर्न इजीली कर सकते हो अगर आप इसे रेगुलरली करते हो तो स्टे कनेक्टेड विथ मी होल वीक. ये पैटर्न आप हमेशा ट्राई कीजिए, आपको बोर भी नहीं होगा, डेली न्यू पैटर्न मिलेगा, करने में भी मजा आएगा और इसका रिजल्ट अमेजिंग है. योगा में बेसिक आसनास हमेशा हम प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं. ये जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है इंटरनेशनल शिवनंदा योगाश्रम जहाँ से मैंने कोर्स किया है, जहाँ से मैंने योग शिरोमणि का कोर्स किया है. ये मैंने नेताला उत्तरकाशी से किया है और वहां पे जो हमें सिखाया जाता था बेसिक आसनास
वो 12 बेसिक आसनास हैं, वो 12 बेसिक आसनास मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। 12 बेसिक आसनास ऑलवेज हम स्टार्ट करते थे प्राणायाम से। फर्स्ट प्राणायाम जो है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम मैं आपको एक मिनट में नहीं सिखा पाऊंगी, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा कि कपालभाति प्राणायाम का आप मेरा डिटेल में जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो वीडियो जरूर देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इनहेल एक्सहेल, इनहेल रेज योर अब्डोमिनल अप 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 स्टार्ट। कपालभाति प्राणायाम करते वक्त आपने कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कपालभाति प्राणायाम कब करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में वो वीडियो में बताया है। आप कपालभाति प्राणायाम का वीडियो जरूर देख लीजिए। हमारा सेकंड प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में भी मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अनुलोम विलोम प्राणायाम के वीडियो में दी है। आप वो वीडियो जरूर देखिए। कैसे करते हैं आइए। प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए ये मैंने प्राणायाम के वीडियो में कवर किया है, आप उसे जरूर देखिए। प्राणायाम के बाद हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार, यानी कि सन सैल्यूटेशन। सन सैल्यूटेशन कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया है और चैनल में वो वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी जरूर देख लीजिए। कैसे करते हैं सन सैल्यूटेशन, आइए शुरू करते हैं। इनहेल एक्सहेल, पाम से prayer position, सन सैल्यूटेशन करते वक्त यानी कि सूर्य नमस्कार करते वक्त अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ 2 से 3 सेट ही कीजिए, स्लोली स्लोली इसे बढ़ाइए और आप चाहे जितने कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेचेबिलिटी पे और आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो शुरू करते वक्त आप 2 से 3 ही सेट कीजिए,
सेट का मतलब है एक बार आप राइट लेग से स्टार्ट कीजिए और सेकेंड टाइम आप लेफ्ट लेग से स्टार्ट कीजिए। ऐसे आप तीन सेट यानी कि सिक्स सूर्य नमस्कार मिनिमम स्टार्ट कर सकते और इसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। बेसिक आसनास करते वक्त एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, हर आसन के बाद आप शवासन में यानी कि रिलैक्स पोज में लेट जाइए। हमारा नेक्स्ट आसन जो है वो है शीर्षासन। शीर्षासन करते वक्त सब लोग एक चीज का ध्यान रखिए, आप सडनली नहीं कर सकते हैं। शीर्षासन करने के लिए आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शीर्षासन करते वक्त आपका जो फोरआर्म्स है वो बहुत स्ट्रेंथ उसमें होनी जरूरी है। फोरआर्म्स में आपको स्ट्रेंथ लाने के लिए शीर्षासन करने से पहले एक प्रिपरेटरी आसन करना बहुत जरूरी है या प्रिपरेटरी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। वो वर्कआउट को हम कहते हैं डॉल्फिन पोज। कैसे करते हैं डॉल्फिन पोज, आइए शुरू करते हैं। आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद आप फोरआर्म्स को मेजर कीजिए और जितना आप दूर रख सकते हो उतना आप दूर रखने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखिए उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसाइए और फिर आप हिप्स को अप कीजिए और आपको सिर जो है आपके ये मुट्ठी के आगे लाना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्स, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ऐसे आपको 10 का मिनिमम एक सेट ऐसे आप सेट कर दीजिए और जब आपका हो जाए तो आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं शीर्षासन कैसे करते हैं। शीर्षासन करते वक्त आपको करना क्या है, आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद आप फोरआर्म्स को मेजर कीजिए और जितना आप नजदीक रख सकते हो उतना आप नजदीक रखिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप बिना कुछ लिए सपोर्ट आप ये ट्राई मत कीजिए। तो मैं क्या करूंगी, मैट के फोल्ड करूंगी। ऐसे आप मैट को फोल्ड कीजिए ताकि आपके सिर के नीचे कुछ बेस मिले। फिर आप वज्रासन में बैठ जाइए, फोरआर्म्स को मेजर कीजिए और जितना नजदीक आप रख सकते हो उतना नजदीक रखिए। इस तरह से उंगलियों को आप फंसा के इसका ब्रैकेट बना दीजिए। ये ब्रैकेट में ही आपको सिर रखना है। देखिए ये ब्रैकेट बनाने के बाद ये जो थंब है इससे हमें सिर को लॉक करना है। ये देखिए मैंने लॉक कर दिया। फिर आप हिप्स को अप कीजिए और जितना आप वॉक कर सकते हो उतना आप वॉक कीजिए और फिर एक पैर ऊपर। आप वॉल का सपोर्ट लेके शीर्षासन करते रहिए। जिस दिन आपको प्रैक्टिस हो जाए तभी आप बिना सपोर्ट के शीर्षासन करने का ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाइब्रेंट वर्षा।